हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ठंड बढ़ गई है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें और हम लोग भी अपना ध्यान रख रहे हैं ठंड में। तो ये देखिए, मेरे मम्मी और पापा कितना मेहनत करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ के और सारा अपना काम निपटाते हैं। 5 बजे नहाते हैं, फिर मोमोज की तैयारी करते हैं। और ये मेरे मम्मी और पापा दोनों मिलके इतनी सफाई से मोमोज को तैयार करते हैं और बनाते हैं। ठंड हो चाहे गर्मी हो, इनका ये मेहनत वाला काम चलता ही रहता है। सुबह उठ के सारी तैयारी करना, ये देख सकते हैं। ये सोयाबीन है, सोयाबीन को तैयार करते हैं। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं, ये है पत्ता गोभी। इसको खींचना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ खींचने वाला भी रखा हुआ है। और ये सारा ये घिसेंगे। अब सोचिए फ्रेंड, ठंड में कितनी हालत ख़राब हो जाता होती है जब हम पत्ता गोभी को घिसते हैं पूरे हाथ में पानी ठंडा, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए। और ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ देख के हमारा भी सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए मम्मी पापा को। तो अभी जब स्टीम होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे स्टीम होगा। अभी तो बनाने की तैयारी हो रही है। अभी बज रहा है 6 और मैं 6 बजे उठती हूँ, तो मैंने सोचा लाओ एक ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कैसे बिल्कुल सफाई से बनाते हैं, ना नीचे बैठ के बनाना ना कुछ, बिल्कुल टेबल पे बैठ के बनाते हैं। सनमाइका लगा तो हुआ है। हाँ, सनमाइका भी पापा बोल रहे हैं, सनमाइका लगा हुआ है। तो रास्ते में एक दुकान है यहीं घर के पास ही, वहाँ बैठ के ठंड में सेल करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब स्टीम होगी तब दिखाते हैं गाइस आप लोगों को कि हमारे ये मोमोज कैसे स्टीम होता है। अभी तो बन रहा है, तो अभी इतना ही बना है जितना आप लोग देख रहे हैं। तो गाइस देखिए कितने मेहनत करते हैं मम्मी पापा, और सुबह सुबह 5 बजे से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें इनको और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इनको आगे बढ़ाएं। तो ये देख सकते हैं 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं मोमोज तैयार करना, और देख सकते हैं कितनी सफाई से मोमोज बनाते हैं कि कोई भी आराम से खा सकता है। कोई ऐसे सोचेगा नहीं खाते समय कि इसमें कुछ है, कैसे बनाया है। जैसे हम लोग खाते हैं तो एक बार सोचते हैं मार्केट में जाके कि पता नहीं कैसे ही चटनी बनाई होगी। एक मैं चटनी का भी अपलोड करूँगी, तो देख सकते हैं बहुत सफाई से बनता है मोमोज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे ही बनाया और ऐसे फेंक दिया नीचे ऐसे ही, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि किस तरीके से मोमोज को भी बनाते हैं और भी लोग। मैं क्लियरली नहीं बता सकती, तो ये देखिए। अब प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें इनकी, और इनको सपोर्ट करें आप लोग। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मोमोज चपके नहीं, चपकना नहीं चाहिए मोमोज को। इसमें अच्छी तरह फॉर्चून लगा रहा हूँ, फॉर्चून रिफाइन भी देखिए, मेरा फॉर्चून का है, फर्स्ट क्लास का है, खराब रिफाइन नहीं है। इसको जो है हम फिर इसमें वो रिफाइन घुस करके फिर इसमें हम वो करते हैं, क्या करते हैं पापा इसमें रिफाइंड को पहले रिफाइन इसमें बर्तन में हमने घिस दिया, ये चपकेगा नहीं, फॉर्चून है। काउंटिंग कर रहा है। हाँ, तो गाइस ये काउंटिंग मतलब गिनती करके डालते हैं पापा, क्योंकि इनका रोज का है कितना मोमोज तैयार करना है। चौवन 55 56 57 58 उनसठ 60 61 62 64
66, 67, 68, 69, 70, 77, 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 77
ये सब इसको ना अच्छी तरह मिक्स करना पड़ता है, तो ये जो है एक दूसरे में भिर जाएंगे, है ना। ये है मैदा, मैदा का बनता है ना, इसलिए इसको रिफाइन में अगर हम सही तरह इसको नहीं करेंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ठीक है, एक में रख दिया हमने, अब दूसरे में हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये रिफाइंड घिस दिया हमने, ठीक है, अब फिर दूसरे में मैं रख रहा हूँ। ये देखिए गाइस, इन्होंने रिफाइंड को इसमें लगा दिया है पापा ने। अब फिर से वो काउंट करेंगे, और काउंट करके जितना उसमें रहेगा स्पेस उस हिसाब से उसमें वो डालेंगे। फिर मैंने स्लाइडर डाटा यूज करना शुरू किया और चेंजेस दिखने लगे, और फिर हर फॉलो अप पे मेरे बालों का जो टेस्ट हुआ, मुझे समझ आ गया था कि ये कोई नॉलेज नहीं है, एक वंडर मेडिसिन है। आप ऐसा समझिए कि हमारा जो सिर है वो एक खेत है और वो बंजर जैसा हो गया है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। अब जब इसमें ये साइबर ऑयल लगाना शुरू कर दिया है तो ये सबसे पहले जमीन की बीमारी दूर करता है। जमीन के अंदर उतर कर एक तरह से दूसरा बर्तन में तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है यहाँ रख दिए, इसके नीचे पानी रखा हुआ है। ये देखिए, ये पानी है, है ना, साफ पानी, साफ है ना, बिल्कुल साफ पानी है। अब मैं इसको गैस पर चढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये गैस पर स्कीम होगा, ये गैस पर चढ़ाने जा रहा हूँ। अभी देखिए, आइए देखिए, मैं यहाँ गैस पर चढ़ाऊंगा। इस उम्र में सारा काम करना पड़ता है मेरे को, इस उम्र में सारा काम करना पड़ता है मेरे को। देखिए, मैं यहाँ गैस पर चढ़ा दिया, ये अच्छी तरह उबल जाएंगे, ये अच्छी तरह पक जाएंगे, बिल्कुल यहाँ स्कीम खूब पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, पक जाएगा, फिर कैसे किया जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा, कपड़े पर फैलाया जाएगा। अभी तैयार होने दीजिए, वो दिखा दूंगा आपको। ये देख, हाँ ये देखिए गाइस, अब ये पापा भी वाला मोमोस तैयार हो गया है। पत्ता गोभी घिस रहा हूँ, ऐसे घिसूंगा, ये धो करके रखा हूँ पूरा साफ, पत्ता गोभी ये धो करके रखा हूँ, है ना। अब इसको मैं ऐसे घिसूंगा, ऐसे घिस करके, ये थाली बिल्कुल साफ है, ये घिसता हूँ इसी में। ठीक है, देखिए गाइस, ये सारा ये घिसना है जो पीछे रखा हुआ है, मोमोस सॉरी मोमोस नहीं, वो बंद गोभी, वो सारा ही घिसना है, कद्दूकस करना है। देखिए कितने मेहनत का काम है ये, ठंड में आपके हाथों में भी लग सकता है घिसते टाइम, तो बहुत ज्यादा मेहनत है मोमोस बनाने में, लेकिन गाइस करना है, पड़ता है तो इसलिए मिस्त्री के काम करते थे, अब नहीं हो पाता है तो अब हम इसमें, अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। ये देखिए नमक मिला रहा हूँ, अब इसमें नमक हमने मिला दिया, काम भर नमक मिला दिया हमने इसमें, और इसके बाद में इसको मैं अच्छी तरह फेटूंगा। ये फेट रहा हूँ इसको, हाँ नमक मिला दिया हमने। ठीक है, और मिलाने के बाद में ये पानी छोड़ जाएगा, ये पानी छोड़ जाएगा तब कपड़े में निचोड़ूंगा इसको, फिर मोमोस बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए अब हो गए तैयार, बड़ी साफ सुथरा धो धा के हमें बनाता हूँ, क्या करें। ये देखिए ये हो गया तैयार, अब पानी छोड़ेगा। कस्टमर के साथ गलत नहीं करना ना, हाँ कस्टमर का साथ हम कोई गलत नहीं करते हैं, सब साफ सुथरा अपना बनाते हैं, कस्टमर हमारा भगवान है। मैं इस तरीके से बनाता हूँ ये कोई देखने नहीं आता है, मैं सब ढंग से इसको भगवान ऊपर वाला देखता है, मैं साफ सुथरा कितना से बनाता हूँ। ये लीजिए देखिए, अब इसको साफ चपड़े से पानी निचोड़ूंगा, एक दूसरे में चपक ना पाए। ये देखिए, और जब ठंडा हो जाएगा ना तब इसको रखूंगा, पन्नी पोलोथीन में रखूंगा कि दुकान पर ले जाएंगे।
एक गरम कर करके कस्टमर को खिलाऊंगा। ये पूरा पक के तैयार है। अब ऐसे छोड़ देंगे तो एक दूसरे पे चपके रहेगा, तो इसको छुड़ाना पड़ता है। ऐसे छुड़ा दिया, ये गरम है अभी, छुड़ा देंगे इसको। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको रखेंगे पॉलिथीन में। शाम को 4 बजे दुकान पर जाएगा, यही सामने दुकान किया हूँ, यही नीचे रेडी लगाते हैं, रेडी पर ले जाके बेचूंगा। ये देखिए इसको पानी हमने निचोड़ दिया हूँ अच्छी तरह, पानी है देखिए इसमें कितना पानी निकल गया है। ये करीब 2 किलो, हाँ 2 किलो में ये देखिए कितना पानी निकल गए, देखिए कितना पानी निकला हुआ है। ए बिल्कुल साफ कपड़े से निचोड़ा हमने है, तो ये देखिए साफ कपड़े है, निचोड़ दिया हमने, अब तैयार कर दिया हूँ। अब इसमें हम मिठाई मिलाएंगे, ये फॉर्चून रखा हुआ है। अच्छा अब दिखाते हैं हमने आपको, रिफाइन मिला दिया हमने इसमें, रिफाइन मिला दिया। फिर रिफाइन मिलाने के बाद में फिर मैं इसको एक बिल्कुल मिलाऊंगा इसको, मिलाने से अपनी दोबारा ये जो है चिकनाहट इसमें आ जाएगा और पानी नहीं छोड़ेगा। बात ये है दोबारा एक पानी नहीं छोड़ सकता, इसमें चिकनाहट आ जाएगा, पत्ते गोभी में चिकनाहट आ जाएगा। हो गया तैयार पापा, ये तैयार हो चुका है ना, ये अब तैयार हो चुका है। हाँ ये तैयार हो गया है, ये देखिए तैयार हो गया। अब इस सोयाबीन का तैयार हो गया, मैं पत्ता गोभी के बनाएंगे, चटनी में तैयार कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, अब तैयार हो गया, हमने इसमें चटनी का जोर लगा रहा हूँ। ठीक है अभी हमारी चटनी बन रही है। अब ये अभी मिर्च पीसा था, ये मिर्च इतना पीस चुका है। अब डालेंगे पापा इसमें ये टमाटर, अब टमाटर को पीसेंगे। और गाइस ये टमाटर पीस चुका है, ऐसे ही हम इसे भी पीस लेंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारे मोमोज चटनी के, इसको शाम के टाइम दुकान भी हम लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम, है रेडी का सामान हम कापत का। देखिए दोस्तों दुकान खुल चुकी है। हेलो ब्रो, पापा हेलो, अरे पैक के करूँ ना इसे। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो गाइस, और ये हमारे चाचा जान।